में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो क्यों पिंड में भी कर रही है, छोटा मॉडल है इसका। अब इसकी विराटता को आप यदि देखेंगे बाहर वाले को, हम तो कितना अपने आप को ऐसे मतलब अकड़ते हैं कि भाई मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैंने साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने अपने बना के रखता ही है। अब हमारा जो ये सौर परिवार है उसमें अपनी पृथ्वी का कितना क्या वैल्यू है, इसकी सौर परिवार में जो शनि शुक्र आदि सारे ग्रह उपग्रह हैं इसमें पृथ्वी का कितना वो है। पहले तो पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य है इसकी क्या वैल्यू है? हाँ, जीरो से भी शून्य है, क्योंकि देखो एक होता है राट, राट कहते हैं जो सूर्य सिद्धांत है ना, उसमें पता लगेगा आपको। राट जो एक एरिया है मतलब ब्रह्मांड का, तो उस राट में हमारा ये जो सूर्य है ऐसे ऐसे अरबों खरबों सूर्य हैं, और बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे लाखों राट मिला करके एक विराट बनता है। फिर उस विराट में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, ऐसी ऐसी पृथ्वियां, ऐसे सूर्य, पता नहीं अरब खरब नील कितने असंख्य हैं, और फिर ऐसे ऐसे लाखों विराट मिला करके फिर एक परमेष्टि बनती है, और ऐसी ऐसी अनेक परमेष्टियां मिला करके फिर एक ब्रह्मांड बनता है। तो ये इसका तो कोई आर पार नहीं है। वहां सत्यार्थ प्रकाश में आता है, किसी व्यक्ति ने पूछा महर्षि दयानंद से कि जिस भगवान के बारे में आप कह रहे हैं सर्वज्ञ सर्वव्यापक ऐसा ऐसा सर्वशक्तिमान, तो वो भगवान भी अपने आप को जानता है या नहीं कि मैं कितना विशाल हूं कितना विराट हूं? इंसान तो नहीं जान सकता है उसको, उसके पास तो नहीं है इतना पावर जानने की, तो वो स्वयं भी अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है? तो उन्होंने कहा कि वो जानता है, लेकिन वो अपने आप को अनंत रूप में ही जानता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है? अनंत। उसका कहीं अंत नहीं आएगा कि ईश्वर ये सोच ले कि हाँ मैं तो वहां तक हूं फैला हुआ, ऐसा नहीं है। ईश्वर भी अपने आप को किस रूप में जान पाता है? अनंत रूप में ही, क्योंकि उसका अंत है ही नहीं कहीं भी। तो अब देखो उस इतने अनंत अनंत विराट परमेष्टि राट उस ब्रह्मांड में से हमारा एक सूर्य, फिर उस एक सूर्य में से पूरा सौरमंडल में से हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो है इसकी इतनी सी गेंद की जितनी भी औकात नहीं है, एक शून्य जैसे है, जीरो जैसे है। फिर इस पृथ्वी के ऊपर भी इसके तीन हिस्से में तो पानी है, तो फिर हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इस ये कितनी बच गई? कंचे जितनी बच गई, ये तो बहुत छोटी सी बच गई। अब ये जो इतनी छोटी सी बची है इसके ऊपर इतने देश हैं, लगभग 200 से ज्यादा देश हैं, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ऐसे हैं जो भारत से 3 गुना बड़े हैं क्षेत्रफल में, चाइना जैसे तो बहुत बड़े बड़े देश भी हैं। अब उन इतने सारे बड़े बड़े देशों में से भारत का नंबर कितना बचा? चने के जितना बच गया। फिर उस भारत में इतने सारे प्रांत हैं, काफी बड़े बड़े भी प्रांत हैं, महाराष्ट्र जैसे राजस्थान जैसे, उसमें उत्तराखंड का नंबर कितना बचा? मूंग का जितना भी नहीं बचा, चने में से सरसों जितना बच गया उत्तराखंड। तो फिर उत्तराखंड में भी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें देवप्रयाग कितना बचा? सुई की नोक जितना बच गया। और फिर देवप्रयाग में भी इतने सारे गांव हैं, उन गांवों में हमारा मुल्ला गांव कितना बच गया? फिर मुल्ला गांव में इतने सारे लोग हैं, और केवल मनुष्य नहीं, इतने सारे पंछी हैं, इतनी सारी चींटियां हैं, इतने सारे गिरगिट हैं, उन सब में मेरा स्थान कहाँ है? और उस अपने अस्तित्व पे मेरे अंदर इतनी अकड़ है कि मैं ब्रह्मांड की दृष्टि से जब देखते हैं, ये आएगा इसमें आज कि व्यक्ति का अहंकार गिरता कब है,
व्यक्ति का अहंकार वैसे नहीं गिरता है, जब उस विराट को देख लेता है तो ये अपने आप ही डाउन हो जाता है। एक गांव में मानो कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और एक व्यक्ति को कुछ अक्षर ज्ञान हो जाए, तो पहले तो ऐसे ही होता था, पूरे गांव में एक दो व्यक्ति होते थे जो चिट्ठी बांचने वाले होते थे, किसी की भी चिट्ठी आई तो बोल भी फला व्यक्ति को बुलाओ, तो पढ़ा लिखा है उस गांव में जिसको चिट्ठी बांचनी आती है। अब वो व्यक्ति अगर कहीं चला जाए किसी ऐसे विद्वान के पास, तो अब उसका अहंकार कहाँ बचेगा, वो तो बेचारा वहीं पूरा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनको कितने विषयों का ज्ञान है। तो व्यक्ति का अहंकार कब जाता है, जब वो अपने से अत्यंत विराट को देख लेता है, तो फिर उसको लगता है कि ये मैं माँ कुछ नहीं है, मैं मेरा ये तो मतलब एक कण के बराबर भी नहीं है हमारा अस्तित्व। तो फिर भलाई इसमें है कि उसके साथ हम शामिल हो जाएं। जो भी हो रहा है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये नेचर ही है, क्योंकि नेचर में ही है सारे रहस्य, तो जितने भी हैं, और ये भी अनंत है, जो भी हो रहा है नेचर में ही हो रहा है। तो मेरा शरीर भी नेचर का ही एक पार्ट है फिर जी। वैसे है जैसे वैसे यहाँ भी हो रहा है। नहीं, क्या हम फिर भगवान को नेचर कोई उसी बात पे आ रही हूँ कि भगवान को लेस कर देते हैं तो सब कुछ हो रहा है ऐसे ही प्राकृतिक दृष्टि से हो रहा है अपने आप ही। तो ऐसे ही मेरा शरीर में भी ऐसे ही हो रहा है, वहाँ भी भगवान नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऑटो सिस्टम। लेकिन ऑटो सिस्टम भी तो किसी ने तो लगाया होगा, किसी ने तो फिट किया होगा, नेचर भी तो किसी ने तो बनाया होगा। और अगर आप कहो कि ये ऐसे ही चल रहा है, किसी ने भी नहीं बनाया है, तो फिर ये शरीर नष्ट क्यों हो जाता है, फिर ये चलता ही रहे हजार दो हजार अनंत काल तक चलता रहे, तो इसका बनना इसका बिगड़ना शरीर का, और शरीर जो हमारा बना तो उसमें माता पिता निमित्त बनते हैं। अगर ये सारी नेचर ऐसे डेवलप हो रही है तो मनुष्यों के शरीर भी ऐसे डेवलप हो जाए, माता पिता की क्या जरूरत है फिर, पर कोई तो निमित्त बनता है। ये ठीक है माता पिता के भी हाथ में नहीं होता है बनाना, तो बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो संतान चाहते हैं उनको नहीं होती है, बनाने वाली तो कोई और ही शक्ति है। और वो कब आपके अंदर माँ के गर्भ में हाथ पैर कब बने, माइंड कब बना, सारा ये सिस्टम कैसे अंदर ही अंदर बन गया, कब ये नर्व सिस्टम अंदर कैसे, माँ को तो पता भी नहीं, अंदर से कोई एक सुई धागा लेके गई नहीं वो कि कहीं नर्व्स बना दी हों उसने, कोई ऐसी नालियाँ लगा दी हों, फिट कर दी हों, पाइप लगा दिए हों, कहीं लीवर बनाया हो, कहीं किडनी, उसको कुछ नहीं पता है, पूरा का पूरा सिस्टम सहित बन करके फिर बाहर आता है। तो हम कोई भी छोटा सा भी सृजन करते हैं तो हम देखते हैं उसमें कोई ना कोई निमित्त होता है, बिना निमित्त के, कारण के बिना कार्य नहीं होता है कभी भी सारी सृष्टि में। तो ये जो कार्य रूप सृष्टि है इसका भी जरूर कोई कारण होना चाहिए, तो अनुमान प्रमाण से फिर हम वहां पहुंचेंगे। इनको पढ़ोगे ना तो ये आपके उत्तर मिलेंगे, शुरुआत तो यहीं से होती है, व्यक्ति ढूंढेगा कैसे, ऐसे ही ढूंढेगा। तो ये इसको आप वाला जो प्रश्न है ये श्वेता श्वेत उपनिषद में आया है, ये जो पुस्तक है इसका लास्ट 11वां उपनिषद है, ये 11 उपनिषद इनमें से 11वां है श्वेता श्वेतर, तो उसकी हिंदी आप पढ़ना। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की है कि हम क्यों माने कि कोई भगवान है, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये सारी प्रकृति स्वभाव से ही ऐसे ही विकसित हो रही है। फिर वो कहते हैं कि नहीं स्वभाव से तो नहीं होता, वो अपने हेतु देंगे, उसको काट देंगे उसको, फिर कहेंगे कि हम काल को ही मूल कारण मान लेते हैं कि काल क्रम से चीजें होती हैं, पहले स्वभाव को कारण माना नेचर को, फिर उन्होंने काल को कारण माना कि एक टाइम से होती हैं चीजें, टाइम बेस्ड हैं, फिर काल के बाद भी मूल प्रकृति को कारण माना, तो ऐसे उन्होंने 4-5 कारण माने हैं इसी में। तो वो फिर ऐसे उस पर चर्चा करते करते कि इसको मानेंगे तो क्या दोष आएंगे, इसको मानेंगे तो क्या दोष आएंगे, लास्ट में फिर वो मूल कारण पे पहुंच जाते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, ये श्वेता श्वेत उपनिषद है।
तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, नचिकेता उनसे पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अर्थात जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा की क्या गति होती है, कैसे आगे जाता है, आगे क्यों जाता है, कौन से शरीर में जाता है, उसको वो ही जाति आयु भोग क्यों मिलते हैं, कौन मुक्त हो जाता है, कौन मुक्त नहीं होता है। तो दो प्रकार की स्थिति है ना, शरीर छूटने के बाद दो स्थिति हैं। एक तो है कि कोई शरीर मिलेगा, अब फिर शरीरों में फिर कई गति हैं कि कौन सा शरीर मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा कि पशु का मिलेगा या पक्षी का मिलेगा, वृक्ष का मिलेगा, कौन मिलेगा शरीर नहीं पता हमें, पर जीवन मुक्त नहीं हुए तो कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा। फिर यदि मनुष्य का शरीर भी मिलेगा तो वो कैसे घर में पैदा होगा, उसके सारे अंग प्रत्यंग होंगे या कोई लेस होगा, कुछ दिव्यांग पैदा होगा, वो फिर एक विभिन्नता है। और दूसरी ये है कि जो इस शरीर के छूटने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, तो दो गतियां हैं आत्मा की। तो एक गति तो इन सारे शरीरों में आता है, अब वो कौन से शरीर में कौन आत्मा आएगा ये वो खुद तय करता है, वो आत्मा खुद तय करता है। मतलब आप कहेंगे जी कोई भी पशु थोड़ी बनना चाहेगा, तो कर्म ऐसा करता है ना, फिर तय करने का मतलब ये है कि वो जैसा दिन भर अपना भाग्य बनाएगा वैसा उसका अगला जन्म होगा, हम खुद ही लिखते हैं अपने हाथ से अपने भाग्य को। और दूसरा था कि मुक्त हो जाते हैं, उनकी बात ये पूछ रहे हैं कि वो मुक्त होने वाले वो कैसे मुक्त होते हैं और मुक्त होकर के वो कहाँ रहते हैं। तो बोले वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं वो, ब्रह्म के आनंद में रहते हैं वो। तो वो कैसे रहते हैं, तो इन्होंने कल बताया था कि ये शरीर जो है ये रथ है और इसमें जो आत्मा है वो रथी बन के बैठा हुआ है, और इन इंद्रियों के इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं जो रथ को आगे खींच के ले जाते हैं। तो इंद्रियों से तो हम दिन भर कमाई करते हैं ना आगे यात्रा के लिए, दिन भर हम इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी अचीव करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारा आगे रास्ता बनता चला जाता है। और उसकी जो लगाम है उन घोड़ों की वो मन है, तो मन यदि काबू में है तो घोड़े ठीक ठीक चलेंगे। बुद्धि के हाथ में है यदि लगाम, मन यदि बुद्धि के अनुसार चलता है, जैसा बुद्धि कहती है वैसे मन मान लेता है, तब तो ठीक यात्रा चलेगी। और यदि बुद्धि के अनुसार मन नहीं चलता है तो बुद्धि सबकी दिखाती है, निर्णय देती है अंदर से, ऐसा कर ऐसा मत कर, ये बुद्धि का काम है बताना, लेकिन उसको मानना या ना मानना ये मन का काम है। अगर मन इंद्रियों के वशीभूत है तो फिर बुद्धि की बात नहीं सुनेगा, इंद्रियों की बात सुनेगा, जहां इंद्रियां कहेंगी कि उधर ले चल वो चलता जाएगा उधर ही। और अगर तो ये बुद्धि की बात सुनता है तो फिर ये इंद्रियों को रोक देगा। तो ऐसे ये जीवन की यात्रा चलती है। तो इसमें ये बता रहे थे कि ये शुरू करेंगे तो इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसश्च परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः। तब ये किसी ने ऐसे बैठ करके खाली बैठ करके ये लिख दिए होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं इसका एक एक मंत्र एक एक श्लोक उसके ऊपर जीवन भर उन्होंने सर्च किया है। जैसे आपने कल 6 मिनट सर्च किया कि कितने विचार उठते हैं, हाँ तो ऐसे उन्होंने अपना एक एक पल लगाया है। 6 मिनट नहीं, पहले 6 घंटे लगाए, फिर 6 दिन लगाए, 6 महीने लगाए, 60 साल लगाए, ऐसे पूरा पूरा जीवन एक एक मंत्र के ऊपर सर्च किया है, तब हमें ये पता ही नहीं। तो हमें तो अंदर के सिस्टम का पता ही ना लगे, मन क्या है बुद्धि क्या है ये हमें क्या पता, अंदर क्या हो रहा है हम तो पहचानते नहीं है। तो कुछ तो हो रहा है अंदर, इतना हमें पता है कि कभी हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं तो कभी हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, कभी हंसी आ जाती है, तो कुछ तो चेंज हो रहा है अंदर, बाहर ऐसे ही रहते हुए भी। तो उसको ऋषियों ने ढूंढ करके बताया, तो वो बता रहे हैं इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, ये जो इंद्रियां दिखाई देती हैं इनसे तो इनके विषय, परा का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म, इंद्रियां स्थूल हैं, इंद्रियां दिखाई दे रही हैं हमें आंख नाक कान आदि, लेकिन इनके जो विषय हैं वो इनसे सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्य परा ही अर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, और इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनसे भी सूक्ष्म है मन।
क्योंकि जब तक मन का संयोग नहीं होता इन इंद्रियों के साथ, तब तक इस इंद्रियों के विषयों का भी, इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है। मन का सहयोग ना हो यदि, जैसे आँख का काम है रूप को देखना, लेकिन आँख रूप को तभी देख पाएगी जब इसके साथ, आँख के साथ मन भी जुड़ा हुआ हो। नहीं तो कई बार व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है आँख खोल करके और उसका मन कहीं और लगा हुआ है, कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में। फिर कोई व्यक्ति आके उसको पूछता है कि आपने यहाँ से देखा मेरा भाई गया क्या इधर से, तो वो एकदम से कहता है मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो कहीं और था। तो ये ध्यान का मतलब क्या है, मेरा मन कहीं और था। तो इंद्रियां भी तब करती हैं जब इनके साथ मन का संयोग हो, इसलिए कहा अर्थेभ्यश्च परम मन है, मन उससे भी सूक्ष्म है। मनसश्च परा बुद्धि ही, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। जब आप अपने अंदर खोज करने जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो इस शरीर की तो क्या खोज करनी है, तो दिख ही रहा है खुली आंख से भी। पर जब आप आंख बंद करेंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात श्वास के साथ होगी। अंदर क्या दिखेगा सबसे पहले, श्वास चल रही है, उसी को कहा प्राणमय कोश। फिर उस प्राण पे आप जैसे 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 एकाग्र होते चले गए, फिर आपकी भेंट होगी मन के साथ। ये विचार आप ढूंढेंगे इस अस्तित्व में, ये विचार आते कहाँ से हैं, रहते कहाँ हैं, इनका सोर्स क्या है, किस शक्ति से, कौन सी शक्ति है जो इनको उठा रही है, कौन इनको रोक रही है, उसको आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा ये मन है। और मैं इसको, विचारों को जब रोकना चाहता हूँ, आप कहते हो कि अब एक मिनट के लिए मैंने अपने सारे विचारों को रोक दिया है, और आप देखते हैं कि विचार रुक गए। और हो सकता है कि कोई एक बीच में आया, उसको फिर आपने रोक दिया कि नहीं अभी नहीं, एक मिनट। जैसे यहाँ हमारी कक्षा चल रही है और कोई व्यक्ति दरवाजे के ऊपर आए और मैं उसको बोल दूं कि अभी एक घंटा कक्षा चलेगी, आप एक घंटे के बाद आना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक घंटे के बाद आएगा, क्योंकि उसको बता दिया हमने। ऐसे हम अपने मन को भी बता देते हैं कि अभी मैं बोलती हूँ कि अभी 30 सेकंड के लिए आप आँखें बंद करें और कोई भी विचार अपने मन में ना लाएं, और आप वहीं रोक देते हैं। तो इसका मतलब है कि मन हमारा कहना मानता है। तो ये विचार हम मन के माध्यम से उठाते हैं, हम मन को कहते हैं कि उठाओ, कहते नहीं है या तो उसको रोकते भी नहीं है। दो बातें होती हैं ना, एक तो होता है कि बच्चे को हम कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, और एक होता है कि पढ़ाई कर लो ये नहीं कहा, तो वो खेलना है तो अपने आप ही लग जाएगा ऑटोमेटिक। ये कहने की जरूरत नहीं है कि खेल लो या शैतानियां कर लो, ये कोई माता पिता नहीं कहता है, वो तो वो खुद ही कर लेंगे। तो मन को ये तो कहना पड़ता है कि विचार रोक दो, बाकी अगर आपने ये नहीं कहा तो विचार उठाना ये वाली शैतानियां वो खुद ही कर लेगा, फिर उसको जरूरत नहीं है। ये बीज तो बोना पड़ता है, खरपतवार बोनी नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही उगाती है। तो हमारे मन में अनंत विचार इधर के उधर के, जो अनपेक्षित, अपेक्षित तो जो बीज बोया वो था, फसल थी, और ये जो खरपतवार उगा ये तो अपेक्षित नहीं है, अनवांटेड, वो अपने आप आ जाएंगे। मनसश्च परा बुद्धि, बुद्धे आत्मा महान पर है, और बुद्धि से भी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। तो ऐसे ये इनको समझा रहे हैं, तो नचिकेता को कह रहे हैं यमाचार्य कि इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधतः क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। स्वामी विवेकानंद ने भी कोट किया अपने कई भाषणों में इसी मंत्र को। यहाँ यमराज कह रहे नचिकेता को उत्तिष्ठत, उठो, जाग्रत जागो, तो वो कोई सो थोड़े ना रहा था, और हम कोई सो थोड़े रहे हैं जब हमें हमारे गुरुजन या ये शास्त्र कहते हैं कि जागो। जागने का मतलब क्या है, जागने का मतलब वो है जो आपने कल 6 मिनट किया, उसका मतलब है जागना, अवेयर। नहीं तो हम अवेयर नहीं होते हैं क्या चल रहा है हमारे जीवन में, कुछ भी चलता है, कोई एक झोंका आता है वो हंसा के चला जाता है, एक झोंका आता है रुला के चला जाता है, मेरा कंट्रोल होता ही नहीं है, मैं दोनों के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन जो जगा हुआ व्यक्ति है वो दोनों को देखता है। तो वहां पर भी बताया ना गीता में भी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो नित्या तांतितिक्षस्व भारत। दुख सुख जो है ये तो
आने जाने वाले हैं, रोजाना दिन भी आता है, रोजाना रात भी आती है। तो अब दिन आ गया तो ऐसे थोड़ी है कि दिन ही रहेगा लंबे काल तक, शाम को रात आएगी तो हमें पता है ना। तो हम ना तो रात्रि आने पर परेशान होते हैं ये क्यों अंधकार छा गया, क्योंकि हमें पता है कि रात्रि चली जाएगी, वही 10-12 घंटे के बाद फिर सूर्योदय होगा, तो हम कहाँ रोते हैं रात को, खुश और होते हैं, बल्कि सोने को मिलेगा। और जब सूर्योदय होता है तब हम कहाँ दुखी होते हैं कि नींद छूट गई, कितना अच्छा चल रहा था, ये दिन क्यों निकल आया, सूर्योदय क्यों हो गया। हमें पता है कि अभी हम अपने कुछ काम करेंगे और उसके बाद फिर रात्रि आएगी, तो हमें पता है ना ये आने जाने वाले हैं, तो हम दोनों से भी दुखी नहीं होते हैं। तो जागा हुआ जो आत्मा है उसको पता है सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं। और हमने अपने जीवन में भी देखा कितने सुख आए हमारे जीवन में बचपन से अब तक, तो क्या वो रुके, चले गए। और दुख भी आए तो क्या वो आज हैं, वो भी चले गए। तो आज वाले जो हैं ये भी चले जाएंगे, जब वो स्थाई नहीं थे हमारे पहले जो आए, ना सुख स्थाई रहा ना दुख स्थाई रहा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सुख भी आया है, जब आप ढूंढेंगे ना तो आपको वो क्षण मिलेंगे। और कोई ना कोई दुख भी आए हैं, तो आपने कल तो दुख दुख को ढूंढा, हाँ, और आज ढूंढना है खुशियों को, पैदा हुए तब से लेकर के कितनी खुशियां मनाई गई होंगी जब आप पैदा हुए थे, और कितने लोगों को दान पुण्य किया गया होगा, तो आज सारा वो देखना। जिस दिन शादी हुई कितने बैंड बजे होंगे, कितने लोगों ने गीत गाए होंगे, कितने लोगों ने डांस किया होगा, तो खुशी के पल भी तो आए, बच्चे पैदा हुए होंगे, नौकरी लगी होगी, तो हमें दोनों ही आए और चले गए, खुशियां आई चली गई। जिस दिन नया मोबाइल खरीदा होगा उस दिन भी थोड़ी देर खुशी आई होगी, जिस दिन आपने 5वीं 6ठी मैट्रिक की 12वीं की बीए की परीक्षा पास की उस दिन भी खुशी आई होगी, आई और चली गई, दुख भी आए और चले गए। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आने और जाने वाली हैं, इसलिए उत्तिष्ठता जागृत है, उठो जागो। प्राप्य वरान, वरदान प्राप्त करो, कर सकते हो आप वरदान प्राप्त, सबके अंदर है वो पात्रता। ऐसे नहीं है कि वरदान मतलब कुछ लोगों के ही हिस्से में आते हैं, भगवान के पास अनंत 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 वरदान है। आप में से हर आत्मा जितने आप प्राप्त कर सकते हैं, लाखों करोड़ों उतने भी प्राप्त कर लें तो भी कमी नहीं आएगी। माने हर व्यक्ति के पास यदि इतना ऐश्वर्य हो जाए जितना पतंजलि योगपीठ के पास है, इतना एक एक व्यक्ति के पास हो जाए तो भी कम नहीं होगा, और उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाए तब भी कम नहीं होगा, इतना अनंत है उसके पास ऐश्वर्य। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, आप वरदानों को प्राप्त करो, उसके लिए आए हो आप। निबोधत माने उनको जानते हुए, उनके बारे में कितनी दिव्य शक्तियां हैं मेरे आसपास, तो क्यों ना मैं उनका आह्वान करूं, क्यों ना मैं उस उच्च चेतना में जीऊं, तो ऐसे आप सोचें। क्षुरस्य धारा, लेकिन इस पे चलना, उनको प्राप्त करना, ये कैसा है, क्षुरे की तीखी धार पे चलने जैसा है, मतलब बहुत पैना सा कोई वो हो, तलवार हो, और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आपको चलना है, तो कैसे चलोगे, बहुत संभल के पैर रखोगे, क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर दिया तो भी कट जाएगा, उसके ऊपर आप थोड़े ना ऐसे डांस करते हुए जाओगे, लहूलुहान हो जाओगे, नहीं तो, उसके ऊपर तो बहुत संभल संभल के, बहुत ज्यादा भी वेट नहीं देंगे, पैर कटे नहीं और आप उस पर चले भी जाएं तो कितना कठिन है ये, अंगारों पे जो चलते हैं तो कितना कठिन होता है। तो इसलिए यहाँ भी कहा कि इसके ऊपर चलना कितना कठिन है, क्योंकि मन तुरंत एंट्री लेता है और कुछ ना कुछ हमें ऐसा दिखाता है कि हम अपने आप को वैसा मानने लगते हैं, कुछ भी याद करता है, एक विचार ही आता है केवल, और विचार आते ही बस हम कभी तो डाउन हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी ऐसे रहते हैं। तो कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति, कवय माने ज्ञानी, ज्ञानी लोग इसको दुर्गम कहते हैं, दुर्गम माने कठिनाई से चलने योग्य। तो जैसे पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है, जैसे केदारनाथ की चढ़ाई दुर्गम है, एवरेस्ट की चढ़ाई दुर्गम है, तो कुछ कुछ लोग चढ़ते हैं, लेकिन जो चढ़ते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही तो मनुष्य हैं,
और कभी तो ऐसे चढ़ते हैं जो हमारे जैसे नहीं, हमारे से भी नीचे श्रेणी वाले थे। अरुणिमा का तो पैर ही नहीं था एक, तो फिर भी वो चढ़ गया। हमारे पास तो दोनों अपने ओरिजिनल पैर हैं, लेकिन उनके पास क्या था, एक संकल्प था। तो संकल्प की शक्ति महान होती है। तो जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, और फिर उसमें एक बात और है कि फिर उसको छोड़ना नहीं, कुछ कदम चल के छोड़ना नहीं है उसको। अगर कुछ कदम चल के छोड़ दिया तो और ज्यादा फिर कष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बिल्कुल अनजान लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है। और आपने यदि एक बार इसको जाना तो फिर इसको छोड़ेंगे तो फिर और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ये बात पहले भी आई थी ना कि एक व्यक्ति ने तो कभी एसी में रहा ही नहीं, तो उसके लिए बिना एसी में रहना ज्यादा दुख नहीं है, पर एक 24 घंटे एसी में रहा और अब उसको बिना एसी में रहने को मिल रहा है तो उसका दुख उससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार जिसने इस दिव्यता को चखा वो फिर छोड़ नहीं पाएगा। अब तो आपको आर पार जाना पड़ेगा, आर पार जाना है तो फिर कमर कस के लगे ही रहे हम नचिकेता की तरह से। तो शेष फिर अगली कक्षा में करेंगे इसकी चर्चा, अभी और चलेगा इनका थोड़ा सा, थोड़ा और यमाचार्य इनको समझाएंगे। लेकिन बहुत सुंदर ये व्याख्यान है, इन्होंने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, इन ऋषियों ने जो ऐसे खोज के हमारे को दे दिया, बना बना के हलवा खाना है केवल बस। तो इसको अगली कक्षा में करेंगे, इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं, समय हो गया। ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।